वेलकम बैक फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो नंबर 43 क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर सेवन कंप्यूटर नेटवर्क्स को और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी टर्म्स थी इस चैप्टर के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर भी कुछ और बेसिक से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के लिए सबसे पहले हमारा टर्म है ई या इलेक्ट्रॉनिक मेल तो ई तो आप ऑलरेडी लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं सिंपली आपका डिजिटल मैसेजेस को सेंड करना एक ई एड्रेस की मदद से एक या बहुत सारी ई एड्रेसेस पे तो सिंपल सा है ई मेल इज अथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू वन और मोर रिपेंट यानी कि एक डिजिटल मैसेज को सेंड करना एक या एक से ज्यादा या यूजर्स को वी नीड ई मेल एड्रेस टू कम्युनिकेट यानी कि सिंपली हमें एक एड्रेस यहां चाहिए होता है जिसकी मदद से हम ई मेल को सेंड या रिसीव कर सकते हैं तो सिंपल है इसका जो सिंटेक्स है यूजर नेम एट द रेट मेल प्रोवाइडर यानी कि को the rate, आपका कोई यूजर नेम होगा देन देन एट द रेट आपका सिंपली यहां पे मेल प्रोवाइडर आएगा जो आपको मेल प्रोवाइड कराता यानी कि सिंपली मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपाई जेड एट द रेट उसके बाद जी मेल डॉट कॉम या hotmail.com डॉट कॉम जो भी आपका मेल प्रोवाइडर है उसका नाम यहाँ पे आता है तो सिंपल सा है नेक्स्ट हमारा चैट या इंस्टेंट इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि चैट करना इंस्टेंट मैसेजिंग करना इसका मतलब क्या है डिजिटली हम मैसेजेस सेंड करते हैं रिसीव करते हैं रियल टाइम के अंदर कुछ एप्लीकेशंस हमारी होती हैं उनकी मदद से अगर हम रियल टाइम पर चैटिंग करते हैं मैसेजेस सेंड या रिसीव करते हैं तो इसी को आपका चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाता है तो सिंपल सा है चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर पीपल हु आर यूजिंग इंटरनेट एट रियल टाइम तो यानी कि कम्युनिक ट करना ऐसे लोगों के साथ रियल टाइम पे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं सिंपली इसके लिए जो एप्लीकेशन आती हैं स्काइप है व्हाट्सएप है फेसबुक मैसेंजर हैं और भी आपके मैसेंजर्स हैं तो इनकी मदद से सिंपली आप इंस्टेंटली या इमीडिएटली आप चैटिंग कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर नेक्स्ट हमारा आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि जब आप बात कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर या ऑनलाइन रियल टाइम पे तो ना केवल आप ऑडियो फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में बात करें बल्कि इसके आपको जिससे आप बात करें वो आपको सामने दिखता भी है तो ये आपका रियल टाइम पर होता है यानी कि आप वीडियो कॉलिंग भी इसको सिंपली कह सकते हैं तो ये भी हम कुछ अपील की मदद से करते हैं इट इज एन ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि ऑडियो भी वीडियो भी एक साथ सिस्टम विच हेल्प्स टू सी द पीपल वाइल्ड टॉकिंग यानी कि बात करते वक्त तो हमें वो दिख भी रहे हैं थ्रू द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए होता है जब भी आप वीडियो कॉल या सिंपली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो इसके लिए जो आपके एप्लीकेशन आती हैं आपका स्काइप पे कर सकते हैं आई पे कर सकते हैं व्हाट्सएप है गूगल मीट है जूम है बहुत सारे आपको के एप्लीकेशंस हैं या आपके सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सिंपली वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं देन आपका नेक्स्ट है वी आई पी यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आपका प्रोटोकॉल है यानी कि सेट ऑफ़ रूल्स हैं जिनकी मदद से सिंपली देखिए आपका इंटरनेट पे जो आपका डेटा फ्लो होता है या डेटा जो आपका अपलोड या डाउनलोड होता है वो आपका पैकेट्स के फॉर्म में होता है तो तो डिजिटली जब हमको अपनी वॉइस को आपका इंटरनेट पर आपका कम्युनिकेट करना होता है या ट्रांसफ़र करना होता है तो सिंपली वहाँ पर हम वी ओ आई पी प्रोटोकॉल्स की मदद लेते हैं जो सिंपली हमारी वॉइस को कंप्रेस करके सिंपली उनको डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं देन जैसे ही वो किसी मीडियम से ट्रेवल करता है डेटा पैकेट्स के फॉर्म में तो रिसीवर्स के एंड पे उसको दोबारा वॉइस में वो कन्वर्ट करता है तो सिंपल सा है यानी कि इंटरनेट पे अगर हमको वॉइस को कन्वर्ट करके डेटा पैकेट्स में इंटरनेट पे आपका सेंड करना है और उसको रिसीव करना है तो वहाँ पर हम वी या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद लेते हैं तो सिंपल सा वी आई पी इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट यानी कि जो हमें हेल्प करता है वॉइस कम्युनिकेशन के के लिए इंटरनेट पे थ्रू कंप्रेशन ऑफ वॉइस इंटू डेटा पैकेट्स दैट कैन भी इजिली ट्रांसमिटेड ओवर द डेटा नेटवर्क एंड देन कन्वर्ट बैक इंटू वॉइस एट द अदर्स एंड यानी कि सिंपली इंटरनेट पर इंटरनेट पर तो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा लेकिन लेकिन बाद में सेंडर एंड रिसीवर के एंड पे सिंपली उसको वापस वॉइस पे कन्वर्ट किया जाता है तो ये काम होता है आपका वीवाई का नेक्स्ट है हमारा वाईफाई सिंपली इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फीडिलिटी यानी कि हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सक हो सकते हैं बिना किसी केबल के डायरेक्टली वायरलेसली तो इसको सिंपली हम वाईफाई कहते हैं इसके लिए हमको एक ब्रॉडबैंड की जरूरत पड़ती है और आजकल तो आप स्मार्टफोन से भी सिंपली कंप्यूटर के साथ हॉटस्पॉट और मोबाइल डेटा की मदद से सिंपली आप वाईफाई फाई आपका कनेक्ट हो सकता है कंप्यूटर के साथ भी तो आजकल तो काफ़ी ईजी है नॉर्मल है ये इट हेल्प अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम अवर कंप्यूटर टू द आई यानी कि हमको करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने में बिना किसी डायरेक्ट लाइन के यानी कि बिना किसी केबल के हमारे आई के साथ यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमारे हैं वी नीड अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड वाई फाई डिवाइस टू कनेक्ट टू वाई फाई यानी कि सिंपली हमें ब्रॉडबैंड और एक वाई फाई डिवाइस चाहिए होती है जिसकी मदद से हम वायरलेसली आपका इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है वाई मैक्स अब देखिए वाई फाई के बाद आपका जो यहाँ पे अगर हमको हायर यहाँ पे अपना रेंज बढ़ाना है तो हम वाई फाई की जगह सिंपली वाई मैक्स यूज़ करते हैं ये भी आपका वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि वाई फाई से इसकी रेंज जो है ज़्यादा है यानी कि वाईफाई सिंपली आपका एक लोकल एरिया में होता है यानी कि लैन जैसे इथरनेट केबल से हम करते हैं तो उसको अगर वायरलेसली करना हो तो हम सिंपली वाईफाई यूज़ करते हैं लेकिन अगर मैन में एक बड़े एरिया में सिंपली हमको कनेक्ट करना होता है तो वहाँ पे सिंपली हम वाई मैक्स को यूज़ करते हैं इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है फ़िफ्टी किलोमीटर्स तो ये फ़िक्स स्टेशन में आपकी स्पीड देता है या सिंपली कनेक्ट कर सकता है इसकी जो रेडियस है लेकिन अगर ये आपका मोबाइल सिस्टम है या मोबाइल स्टेशन है तो वहाँ पर सिम सिंपली फिफ्टी टू ट्वेंटी किलोमीटर्स की इसकी रेंज है या सिंपली रेडियस होती है तो सिंपल सा है वाई मैक्स WiMAX मैक्स जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इट कैन प्रोवाइड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस टू 50 किलोमीटर्स फॉर फिक्स्ड स्टेशन एंड 15 टू 20 किलोमीटर्स फॉर मोबाइल स्टेशन इट हैज स्पीड ऑफ 30 एम बी टू वन गीगाबाइट या सिंपली जी तो ये सिंपली इसका एडवांस वर्जन है यानी कि वाई फाई आपका लोकल एरिया के लिए है और उससे अगर बड़े एरिया को हमने कनेक्ट करना है वायरलेसली तो वहाँ पर सिम्पली हम वाई मैक्स को यूज़ करते हैं तो ये तो कुछ बेसिक से हमारे टर्म है तो नेक्स्ट जो तो टॉपिक है वो है नेटवर्क तो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए इसमें कौन कौन से आप कैसे हम इनसे बच सकते हैं इसमें वायरसेस हैं हैं कंप्यूटर वायरस हैं तो इनके बारे हम, इनके बारे बारे हम हम में डिस्कस करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपका एक कॉमन टर्म है जिसको हम मालवेयर कहते हैं अब देखिए मालवेयर सिंपली एक जनरल टर्म है जितने भी हमारे कंप्यूटर थ्रेट्स होते हैं यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे सिस्टम पे तो उनके लिए एक जनरल यहाँ पे टर्म है एक कॉमन टर्म है जिसको हम मालवेयर कहते हैं तो सिंपल सा है मालवेयर स्टैंड फॉर मेलिसियस सॉफ्टवेयर या सिंपली हार्मफुल सॉफ्टवेयर ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर आपका बताता है यानी कि कॉमन अगर कोई भी आपका थ्रेट होता है उसमें आपका वायरस कंप्यूटर वायरस हो वाम्स हो ट्रोजन हॉर्स हो या और किसी टाइप के आपके वायरसेज हों तो उन सबको अगर एक जनरल टर्म हमने देनी हो तो सिंपली उसको मालवेयर कहते हैं तो मालवेयर स्टैंड फॉर मेलेसियस सॉफ्टवेयर इट इज़ अ जनरल टर्म यूज फॉर वेरियस टाइप ऑफ मेलेसियस या हार्मफुल सॉफ्टवेयर लाइक कंप्यूटर वायरस हैं वाम्स हैं ट्रोजन हॉर्स हैं और भी हमारे वायरसेस या थ्रेट्स होते हैं तो ये तो आपका एक बेसिक सा है मालवेयर जो कि एक कॉमन टर्म तो इनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर वायरस हो वॉम्स हो और भी हमारे टर्म्स हैं उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए तो आई होप आपने इसका स्क्रीन ले लिया होगा तो हमारे बाकी के जो टर्म्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं डिस्कस करते हैं जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर वायरस को तो, तो कंप्यूटर वायरस भी आपका एक हार्मफुल या मेलिसियस सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम पे एंटर करता है बिना हमारी जानकारी के और सिस्टम पे एंटर करने के बाद ये ख़ुद को रेप्लिकेट करते हैं यानी कि ख़ुद को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हार्मफुल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं यानी कि ये फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं फ़ाइल को ऑल्टर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या फाइल को हाइड डे करते हैं और इसको रन के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है और सिंपली हमारे सिस्टम पे एंटर करता है आपका अलग अलग सोर्सेज से मेन जो आपका सोर्स है कंप्यूटर वायरस का वो इंटरनेट है इसके अलावा ये हमारे सिस्टम पे आ सकता है और डिवाइस से जैसे आपके पोर्टेबल डिवाइसेज हैं पेनड्राइव हम लोग यूज करते हैं मेमोरी कार्ड यूज करते हैं और डिवाइसिस हम यूज करते हैं जैसे आपका हार्ड डिस्क है या कोई सी है डी है तो इनके साथ अटैच होकर हमारे सिस्टम पर एंटर करता है तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है इट इज अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट कैन रेप्लीकेट इट ये खुद को रेप्लीकेट कर ता है यानी कि खुद को मल्टीप्लाई करेगा एंड डैमेज अवर सिस्टम विदाउट अवर नॉलेज और बिना हमारी जानकारी के हमारे सिस्टम को ये डैमेज करता है then इट नीड्स टू बी अटैच्ड विद some प्रोग्राम्स और फाइल्स टू एंटर enter into our सिस्टम यानी yani कि हमारे सिस्टम पर आने के लिए ये दूसरे प्रोग्राम फाइल्स या सिंपली किसी दूसरे पोर्टेबल डिवाइस की मदद लेता है उनके साथ अटैच होके हमारे सिस्टम पर आता है इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है computer worm. अब देखिए कंप्यूटर worm भी खुद को रेप्लिकेट करता है लेकिन एक difference है कि इसको रन करने के लिए या इसको एग्जीक्यूट होने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती ये ऑटोमेटिकली खुद ही रन होता है अब इसका मेन काम ये होता है कि खुद रेप्लीकेट तो होता है लेकिन ये रिसाइड होता है हमारी मेन मेमोरी के अंदर या सिंपली मेमोरी या नेटवर्क के अंदर तो ये बैंडविट था आपकी आपका बैंडविड्थ में जाएगा वहाँ पे खुद को रेप्लीकेट करेगा और बैंडविट था आपको पता है कि बैंडविट जितनी ज़्यादा होती है नैरो बैंड ब्रॉड बैंड उतनी ही ज़्यादा हमारी अच्छी स्पीड होती है लेकिन नेटवर्क में आपका सिंपली अगर वाम्स होते हैं या मेमोरी के अंदर आपके वॉम्स हैं तो आपका जो मेन प्रोग्राम है जो आपका यूज़फुल प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए हमारी मेमोरी स्पेस नहीं बचती तो उससे क्या होता है हमारा जो पी है वो स्लो डाउन हो जाता है तो पीसी की स्पीड जो है स्लो डाउन करने के लिए वो आपके वायरसेस यहाँ पे यूज होते हैं मेन काम इनका यही है कि पीसी को स्लो डाउन करना और जो बैंडविड्थ है या मेमोरी है उसको आपका फिल कर देना तो सिंपल सा है इट इज़ अ प्रोग्राम विच कॉपीज यूट सेल्फ एक्रॉस द नेटवर्क खुद की कॉपीज़ क्रिएट करता है अ कंप्यूटर वोम डिफर्स फ्रॉम कंप्यूटर वायरस बिकॉज इट कैन रन इट सेल्फ ये खुद ही चलता है इसको होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इट ईट्स अप द बैंडविट्स और मेमोरी एंड स्लोज डाउन द ट्रांसफर और रनिंग स्पीड यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है या कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर है उसकी रनिंग स्पीड को सिंपली कम कर देता है इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है ट्रोजन हॉर्स अब देखिए ट्रोजन हॉर्स सिंपली हमारा एक सॉफ्टवेयर इसको कह सकते हैं एक प्रोग्राम कोड कह सकते हैं जो कि मेन आपका प्रोग्राम कोड या किसी सॉफ्टवेयर के साथ हमारे सिस्टम पे एंटर करता है अभी हमारे सिस्टम पे तो एंटर करता है एज अ यूज़फुल सॉफ्टवेयर यानी कि मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम डाउनलोड किया या सिंपली कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया आपको लगेगा ये एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर है लेकिन उसके साथ अटैच होकर ट्रोजन हॉर्स भी आता है और एक बार ये कोड हमारे सिस्टम पर आता है फिर ये अपनी मलिशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है यानी कि फाइल को ऑल्टर करना चेंज करना या जिसने इसे प्लांट किया है हमारे जो डेटा है हमारा जो पर्सनल डेटा है उसको चुरा के सिंपली उस इंसान को ये सेंड करेगा जिसने इसे प्लांट किया है लेकिन हमारे सिस्टम पे इसके जो मेन काम है या इसका जो मेन फीचर है वो यही है कि हमारे सिस्टम पे एक यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह आता है लेकिन सिस्टम पे आने के बाद ये हार्मफुल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो सिंपल सा है ट्रोजन हॉर्ट्स इज अडन कोड इन अ प्रोग्राम सच हेज़ गेम्स फाइल्स स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर एप्प्लीकेशन दैट लुक सेफ बू रन बट हैज़ हिडन साइड इफेक्ट यानी कि सिस्टम पे आता है हिडन फॉर्म में अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ कोई गेम्स आपके गेम फाइल हो या सिंपली आपका स्प्रेडशीट हो कोई और सॉफ्टवेयर हो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि सेफ दिखते हैं रन करने के लिए लेकिन इसके हिडन साइड इफेक्ट होते हैं यानी कि हमें तो लगेगा कि सेफ़ है लेकिन एक बार सिस्टम पर आने के बाद ये हार्मुल या मेलेियस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है इसी तरीके से एक हमारा वेयर भी होता है तो सिंपली एक वेयर भी आपका होता है इसका सिंपली देखिए स्पाई मतलब ही यहाँ पे है कि किसी पे नजर रखना तो ये सिंपली हमारी ब्राउजिंग हैबिट्स पे आपका नज़र रखता है यानी कि इसका मेन काम यही होता है कि जो हमारा जिस पे जिसके ऊपर हमने इस्पाई वेयर चलाना है तो सिंपली उसकी ब्राउजिंग हैबिट्स कौन सी है यानी कि कौन सी वेबसाइट्स पर पे जाता है कितने घंटे वो आपका इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो इस यानी कि एक नज़र रखना कि कोई इंसान इंटरनेट पर क्या कर रहा है तो ये आपका स्पाई वेयर का काम होता है इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा टर्म है स्पैम अब देखिए स्पैम शायद आपने सुना भी होगा एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग तरीका है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को सेंड करना सिंपली आपका बहुत सारे लोगों के पास जो unwanted कि अनवांटेड है यानी कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था अनवांटेड वो मैसेजेस हैं और ये सिंपली आपके फ्रॉड होते हैं मेनली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस इसको इनको रन करती हैं या इंडिविजुअल भी इनको रन करते हैं जो सिंपली एक ही मैसेज को बार बार या तो आपको सेंड करेंगे या अलग अलग स्कीम्स के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करते हैं ई सेंड करते हैं जिसमें सिंपली आपका मैक्सिमम टाइम फ्रॉड होता है जैसे आपका क्विक रिच स्कीम्स होती हैं कोई ऑफर्स उसमें आते हैं तो इसको मेनली आपका स्पैम कहा जाता है आता है सिंपल इज एन इलेक्ट्रॉनिक लार्ज नंबर ऑफ एड्रेस पे या ई मेल या नॉर्मली आपका टेक्स्ट मैसेजेस भी आपका कोई भी डिजिटल तरीके से जो आपका लार्ज कम्युनिटी को सेंड किया जाता है या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सेंड किया जाता है जो कि उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है अनवांटेड है वो नहीं, वो विलिंगली नहीं चाहते कि वो मैसेजेस आए लेकिन फिर भी आते हैं जैसे आपका क्विक रिच स्कीम होता है या कोई लॉटरी है या सिंपली कोई प्राइज मनी है तो इस तरीके के मैसेज जो होते हैं नेक्स्ट आपका है कुकीज अब देखिए कुकीज़ जो है ये वेब डेवलपर्स आपका यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनके उनमें हम ज़्यादा अच्छे से नेगीवे उनमें हम ज़्यादा जल्दी पहुंच सकें ज़्यादा जल्दी वहाँ पे हम नेगी नविगेट कर सकें यानी कि सिंपली जैसे ही हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर किसी न्यू वेबसाइट पे हम जाते हैं तो एक लिंक क्रिएट होता है हमारे सिस्टम का और आपको उस वेबसाइट का तो जैसे ही कोई वेबसाइट लोड होती है तो बैक एंड पे आपकी कुकीज़ भी क्रिएट होती हैं काफ़ी बार तो हम कुकीज़ डिलीट करते हैं और काफ़ी बार वो आपकी परमानेंट भी होती है यानी कि आपकी जो हार्ड डिस्क है या सिंपली आपकी मेन मेमोरी है वहाँ पे वो रिसाइड होती हैं इससे होता है कि एक तो आपका जो इंटरनेट की स्पीड है वो बढ़ती है यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो ऑलरेडी आपका जो डेटा है वहाँ पर उस वेबसाइट पर स्टोर है तो लिंक क्रिएट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती यानी कि नेविगेट आप काफ़ी जल्दी कर सकते हैं तो सिंपल सा है क्योंकि और ये तब आपकी बनती है जब आप किसी ब्राउज़र में अपनी किसी नई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बैकेंड पे बनती है और अगर परमानेंट है तो ये बैकेंड पे आपके जो मेमोरी है वहाँ पे स्टोर भी हो जाती है तो सिंपल सा है दीज आर यूज्ड बाय वेब डेवलपर्स टू हेल्प टू नेविगेट दियर वेबसाइट एफिशिएंटली एंड परफॉर्म सर्टेन फंक्शन यानी कि यानी कि उनकी वेबसाइट पे हम मोर एफिशिएंटली जाएं ज़्यादा जल्दी हम पहुँचें और वहाँ पे कुछ एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं कुछ फंक्शन हम कर सकते हैं यानी कि कुछ वहाँ पर बहुत सारे एड्स आते हैं उन उनपे हमको क्लिक करवाना है हमारी ब्राउजिंग हैबिट्स देखनी है तो ये सारा डेटा हमारे कुकीज़ पर स्टोर होता है देन कुकीज़ आर क्रिएटेड वेन यूजर्स ब्राउजर लोड्स

सॉफ्टवेयर दोनों पे लग सकता है या सिंपली आप सिंगल हार्डवेयर या सिंगल सॉफ्टवेयर पे भी लगा सिंगल सॉफ्टवेयर पे भी लगा सकते हैं तो एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को अनऑथराइज से सेव से करता है और हमारे डेटा जो है उसकी फिल्टरिंग उसको उसकी फिल्ट्रेशन का काम करता है यानी कि नेटवर्क पर आपका जितना भी ट्रैफिक है इनकमिंग है आउट है आपका इंटरनेट के अंदर या डायरेक्टली नेटवर्क के अंदर तो उसकी फिल्टरिंग का काम भी आपका फायरवॉल करता है तो सिंपल है एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम इसको कहा जाता है

तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी खत्म होती है वीडियो नंबर 43 तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में वीडियो नंबर 44